होकर राज्य महाराज की जय, राम राम जी सबने। गुड मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 8। दोस्तों सबसे पहला तो थाने गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी गोवर्धन एंड एडवांस में हैप्पी भैया दूज। आज का व्लॉग बहुत ही धमाकेदार होगा, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारे गांव के एरिया में गोवर्धन पूजा कैसे की जाती है। एक पूरा कुणबा, एक पूरा परिवार एकत्रित होता है, फिर एक गोबर से गोवर्धन महाराज जी को बनाते हैं, फिर उन पे 7 परिक्रमा करते हैं, कोई 5 करता है, कोई 3, कोई 7, वो उनकी मान्यता के अनुसार है। उसके बाद एक बछड़े को बुलाते हैं, उसमें गोवर्धन के पेट में उसका पैर लगाते हैं, उसके बाद गोवर्धन पूजा सफल होती है, उसके बाद बच्चे बम पटाके छुड़ाते हैं। 10 घंटे के वेट के बाद फाइनली वो टाइम आ चुका है। शाम के बज रहे हैं 6:10, तो हम जा रहे हैं गांव में गोवर्धन महाराज जी के परिक्रमा लगाने। आज हमारा पूरा खानदान, पूरा कुणबा इकट्ठा होगा, दिखाएंगे आपको। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हम, तो चल के दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, राम राम। आज मंगलवार ने। हाँ कर दियो बाबा, विपन बात कर रहे। शेरू तू भी सिर पर रुमाल ले ले। प्रिय चाचा जी हमारे अरे प्रिय पापा जी नहीं बोलेगा मैं इसका मावसा लगता हूँ आरपीएफ जवान है ये। देख लो कौन रहे को। अब आपको दिखाएंगे परिक्रमा। हाँ भाई चलो, कति क्लियर आ रहा है। आज के दिन ये बुलाया से नहीं आए, और वही खेतम बिन बुलाया जाएगो। आज अब आज आज कर आगे से धड़ो,
भाइयों गोवर्धन पूजा परिक्रमा पूरा हमारा परिवार कुणबा देख लिया होगा आपने। आशा करूं हूं थाने ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा, तो शेयर कर दो, कमेंट कर दो, कमेंट में जय गोवर्धन महाराज की लिख दो, गौ माता की लिख दो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। और आज मैं थाने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मानस से मिलाना चाहूँ और वो है मेरा बड़ा भाई। और यो कैमरा से बहुत बचे है लेकिन मैं ना बचन दूं इन्हें। भाइयों शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मैं आगे आगे ऐसे भी बढ़िया बढ़िया व्लॉग लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, गुड बाय।